लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया भर से उनके प्रशंसकों ने, उनके शुभ चिंतकों ने बधाइयां दी है। पीएम पद से इस्तीफा सौंपने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद पीएम मोदी ने डिनर एंजॉय किया। सभी एनडीए के सदस्यों के साथ डिनर में पीएम मोदी को पीएम पद से इस्तीफा देने पर फेयरवेल दिया गया, जिसके बाद एक बार फिर मोदी 3.0 का इंतज़ार है सभी को और नए कैबिनेट के विस्तार से पहले देखा जाए तो पीएम मोदी को लेकर तरह तरह की आ रही हैं खबरें। परिवार में इस बार पीएम मोदी की मां नहीं है जो कि उनके जीत का जश्न मना सके। ऐसे में हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे, पीएम मोदी भले ही अपनी पत्नी से सालों से अलग रहे हों, लेकिन ये तो सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शादी रचाई थी। जी हाँ, मोदी जी ने शादी रचाई थी, लेकिन कई लोगों ने कई दफ़ा मोदी जी की शादी को लेकर कई ऐसी अफवाहें उड़ाई जिससे काफ़ी ज़्यादा एक समय नाराज़ भी हो गई थी नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन। आइए हम आपको उनके बारे में बताते हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी की शादी की सच्चाई खुलकर सामने लाकर ये साबित किया था कि लोग झूठ फैला रहे थे पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए। बता दें, जसोदाबेन मोदी ने ये कहा था, एक औरत होने के बावजूद आनंदी बेन पटेल ने ऐसा बयान दिया, इसलिए मुझे ये सफाई देनी पड़ रही है। मेरे लिए ये दुख की बात है कि मोदी के शादीशुदा होने के बावजूद लोग ऐसे बयान दे रहे हैं। जी हाँ, आनंदी बेन पटेल ने जब आवाज़ उठाई थी पीएम मोदी की शादी के खिलाफ, तब आवाज़ को दबाने के लिए पीएम मोदी की पत्नी जसोदाबेन सबके सामने उतर आई थी। कहना था नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन का जिस तरह से गुजराती चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, इस बात का सबूत है कि भले ही जसोदाबेन से सालों से अलग रहे हों मोदी जी, लेकिन जसोदाबेन के मन में मोदी जी को लेकर नफरत कभी नहीं पनपी। उनके लिए हमेशा शुभ चिंतक रही उनकी पत्नी, भले ही शादीशुदा जिंदगी का सुख हासिल नहीं हुआ हो, जसोदाबेन को पत्नी की तरह मोदी की ज़िंदगी में भले रही ना हो जसोदा, लेकिन पत्नी दूर से भी अपने पति की सलामती की दुआएं हमेशा मांगती रही हैं। जसोदाबेन ने आनंदीबेन पटेल के उस बयान से दुख जाहिर किया जिसमें आनंदीबेन पटेल ने पीएम मोदी के अविवाहित होने की बात कही थी। गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश की मौजूदा उस वक्त की राज्यपाल आनंदीबेन ने एक कार्यक्रम में कहा था, साल 2018 में नरेंद्र भाई ने शादी नहीं की है, लेकिन वो औरतों और बच्चों का दर्द समझते हैं। जी हाँ, जब ये कहा था आनंदीबेन पटेल ने, तब हुए थे नाराज़ पीएम मोदी की पत्नी, मध्य प्रदेश की राज्यपाल थी उस वक्त, और मोदी को अविवाहित कह दिया था उन्होंने। इसी पर आनंदीबेन के इस बयान से जसोदा और उनके परिवार के लोग बहुत खफा थे और उनका गुस्सा भी निकल आया था। जसोदाबेन ने कहा था, सबको पता है कि नरेंद्र मोदी की शादी हुई है, फिर भी ये लोग झूठ फैला रहे हैं। जसोदाबेन और उनके परिवार ने ये कहा था, आनंदीबेन का बयान पूरी तरह से झूठ है, ये एक ऐसा झूठ है जो राजनीतिक वजहों से फैलाया गया। जसोदाबेन के भाई अशोक मोदी ने भी गुजराती चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, लोगों को राजनीति के लिए नरेंद्र मोदी और जसोदाबेन के बारे में झूठ बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। नरेंद्र मोदी की शादी का पूरा मामला हम आपको बताएंगे। साल 2002, 2007 और 2012 के गुजरात विधानसभा चुनावों में चुनाव के नामांकन फॉर्म में अपनी अवैवाहिक स्थिति के बारे में कोई जानकारी पीएम नरेंद्र मोदी ने नहीं दी थी।
उन्होंने शादी नहीं की है, तब आनंदीबेन ने कहा था। जिम्मेदारी, नैतिकता, इस्तीफा और विश्वसनीयता को लेकर मोदी सरकार की आपने कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आपको बता दें 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी ने पहली बार औपचारिक रूप से चुनावी हलफनामे में कबूल किया था कि उनकी शादी हुई थी। नामांकन पर्चे में जसोदाबेन को अपनी पत्नी उन्होंने बताया था। हालांकि पैन कार्ड और जायदाद से जुड़े बाकी कागजातों में उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। ये मोदी के तौर पर पीएम को हमने ऐसे जाना है, उनके निजी जीवन के बारे में कम जाना है। मोदी जी के बड़े भाई सोमा भाई दामोदर दास मोदी ने एक बयान दिया था और कहा था शादी के कुछ दिनों बाद ही वो जसोदाबेन से अलग हो गए थे। सोमा भाई ने ये बताया था, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जाति से ताल्लुकात रखते हैं हम। हमारे समाज में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित थी। 17 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी की शादी जसोदाबेन से कर दी गई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों फिर अलग हो गए थे। हालांकि दोनों ने कभी अपनी शादी खत्म नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2013 में एक फैसला दिया था और कहा था चुनावी प्रत्याशी को नामांकन पत्र में मांगी गई हर जानकारी देनी होगी और इसी कारण से नरेंद्र मोदी ने शादी की जानकारी दी, वरना शायद वो नहीं बताते। जसोदाबेन उनकी पत्नी थी। जी हाँ, कोई भी कॉलम खाली नहीं छूटना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नामांकन पर्चा रद्द किया जा सकता है अगर कॉलम खाली रहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और अदालत ने अपने आदेश में कहा था मतदाताओं को अपने चुनावी प्रत्याशी के बारे में सब कुछ जानने का अधिकार है, इसलिए नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी थी जसोदाबेन के बारे में। ये जान लीजिए, नरेंद्र मोदी से शादी के वक्त जसोदाबेन की उम्र सिर्फ 15 साल ही थी। जी हाँ, आलोचकों का कहना था कि मोदी ने आरएसएस में शामिल होने के बाद जसोदाबेन को छोड़ दिया था। कुछ लोग कहते थे कि संघ के स्वयंसेवकों को शादी करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए ऐसा मोदी जी ने किया था। कुछ आलोचकों ने तो ये भी कहा था कि मोदी का इतने लंबे वक्त तक जसोदाबेन को अपनी पत्नी स्वीकार न करना उनका महिलाओं के प्रति उदासीन रवैया दिखाना है, और दिखाया भी था उन्होंने। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा निंदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गई थी। इसके अलावा हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पीएम मोदी के तौर पर काफ़ी चर्चाओं में उनकी शादी के बारे में कुछ और बातें बताएंगे। ऐसा कहा जाता है बैलगाड़ी से मोदी जी की बारात निकली थी, हिमालय से सिर्फ एक दिन के लिए वो घर आए थे। जी हाँ, कई ऐसी बातें बहुत कम लोगों को पता है। 12 साल के थे उस वक्त नरेंद्र मोदी। अपने परिवार से महेसाणा ज़िले के वडनगर में वो रहा करते थे। परिवार के साथ साधु वडनगर आया और तब मोदी जी की माँ हीराबेन से उस साधु ने मोदी की कुंडली मांगी। मोदी के साथ उनके बड़े भाई सोमा भाई की भी कुंडली दिखाई थी उनकी माँ ने, और कुंडली देखकर साधु ने कहा था सोमा भाई के बारे में सामान्य रहेगा इनका जीवन, जेल जाना पड़ सकता है इन्हें। लेकिन मोदी जी का नाम लेकर साधु ने कहा उथल पुथल से भरा रहेगा इसका जीवन, कुंडली में ऐसा योग्य है कि या ये तो एक दिन राजा बनेगा या फिर शंकराचार्य की तरह एक महान संत की सिद्धि हासिल करेगा। इस तरह से मोदी की पूजा पाठ में भी रुचि होती चली गई थी, तो इस तरह की जीवन की वजह से उन्होंने अपनी शादी में कभी भी रुचि नहीं दिखाया था। बता दें आप सबको, मोदी पर किताब लिखने वाली लेखिका कालिंदी राजेंद्री ने मोदी की शादी से जुड़ी कई बातों से पर्दा उठाया था, जिसमें बताया था कि बैलगाड़ी से उनकी बारात गई थी। नेक्स्ट 9 लाइव स्थिति रिपोर्ट।